कोरोना के कहर से सारी दुनिया इस वक्त त्राहिमाम कर रही है, सारी दुनिया भुगत रही है इसका कहर। हिंदुस्तान में ही तबाही और बर्बादी के दृश्य किसी भी इंसान की आंखों में आंसू लाने के लिए काफी हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे चीन का वो वुहान जहां कोरोना समूचे विश्व में फैला, वहां से वहां हमारे दर्द और मातम के बीच में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत की तबाही पर नाचा ड्रैगन, चीन में जश्न, हिंदुस्तान में जहन्नुम। सारी दुनिया में इस वक्त कोरोना के कहर से त्राहिमाम मचा है। वैश्विक महामारी के दंश से ज्यादातर देश जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इसी कोरोना वायरस के चलते हिंदुस्तान ऐसी तबाही और बर्बादी से गुजर रहा है जिसके बारे में सुनकर आने वाली पीढ़ियां भी दंग रह जाएंगी। अस्पताल भर गए, शमशान भर गए, कब्रिस्तान भी भर गए, एक एक सांस पर संकट महसूस होने लगा है। सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, नाइट को भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला पाया। ये भी नहीं बता रहे हमें कि इसमें गैस है या नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं यही बोर्ड लगा, रिफिलिंग बंद है, गैस नहीं है वहाँ पर। सिलेंडर के लिए आए हैं, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हॉस्पिटल नीचे ले जाने को रेडी नहीं है, बट पेशेंट को मारने के लिए रेडी है। लेकिन जानते हैं जिस चालाक ड्रैगन के चलते आज इंसानों के जीवन पर ही खतरा मंडराने लगा है, वो इस वक्त बड़े पैमाने पर जश्न मनाने में डूबा है। ये चीन का वो वुहान शहर है जहां से निकलकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। लेकिन आज यहां के हालात कैसे हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। हजारों की तादाद में गानों की धुन पर हजारों चीनी थिरक रहे हैं। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, जमकर जश्न मनाया जा रहा है। ना ही किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी को कोरोना का कोई खौफ ही नहीं है, जबकि आज कोरोना के खतरे को हर इंसान समझता है। ऐसे में जहाँ से ये वायरस फैला वहीं से इस तरह की तस्वीर सामने आना हैरान करता है, वो भी तब जब दुनिया की कोरोना से जंग जारी है। के पास सिलेंडर नहीं है, वो तड़प रहे हैं, बिल्कुल खत्म है, सांसें अटक रही है। इन्होंने कुछ नहीं किया मेरी मम्मी के लिए, सारे लोग मर गए, सारे लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन दीदी कुछ नहीं, देखो मर गए, ले जाओ। एक ही जवाब है, बैठ नहीं है, बैठ नहीं है, बैठ नहीं है। कोरोना के कहर में चीन के अंदर झूमते गाते और जश्न मनाते इस आयोजन को चीन ने वुहान स्ट्रॉबेरी म्यूजिक फेस्टिवल नाम दिया है। सोचिए अभी तो इसका आगाज हुआ है, पूरे 5 दिन वुहान में ऐसे ही जश्न मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैरान करती है ये तस्वीरें, इसे ही कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी। लेकिन ड्रैगन के फितरत में ही छल है, इसीलिए जिस वुहान से कोरोना दुनिया में फैला, जहां जश्न मनाते चीनियों को आपने अभी अभी देखा, वहां एक लैब में मौजूद फाइल पर वैश्विक एजेंसियों की नजर है जिससे कोरोना किंग चीन का पर्दाफाश हो सके। कातिल कोरोना के कहर में भी ड्रैगन जश्न मना रहा, वो भी उस वुहान में जहां से दुनिया भर के अंदर वायरस फैला। इसी शहर में मौजूद है वो वायरोलॉजी लैब जिस पर अब भी सारी दुनिया की निगाह है। WHO के टीम ने यहां पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी की, मगर ऐसे ठोस सबूत हाथ नहीं लग सके जिससे साबित हो जाए कि चीन की इसी लैब से निकले कोरोना ने दुनिया में तबाही मचा रखा है। जालसाज और शातिर चीन ने WHO की टीम के सामने असल दस्तावेज और रिसर्च पेश ही नहीं की। लेकिन चीन का ये गुनाह इतनी आसानी से माफ भी नहीं होने वाला है। अब 8 देशों की एजेंसियां वुहान की लैब से वो फाइल हासिल करने में जुटी हैं, जिसमें इस वायरस का राज छिपा है।
इसी फाइल से कोरोना का पूरा सच सामने आएगा। इन एजेंसियों में शामिल है अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS, फ्रांस की डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। दरअसल दुनिया कोरोना संक्रमण की सच्चाई जानना चाहती है। बताया जाता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक खास टीम ने वुहान को लेकर फैक्ट शीट भी तैयार की। इसमें कहा गया कि चीन की वुहान लैब में इस तरह के वायरस को रखे जाने की सुविधाएं मौजूद हैं। वुहान लैब में लंबे समय से ऐसे वायरस रहे हैं। वहां की गलतियों से ही कोरोना वायरस दुनिया में फैल गया है। हालांकि बाद में कुछ ऐसे सवाल भी उठे कि वुहान लैब के वैज्ञानिक या दूसरे कर्मी संक्रमित क्यों नहीं हुए। अब दोबारा से कई देशों की सीक्रेट एजेंसियां वुहान की लैब से वो सीक्रेट फाइल हासिल करना चाहती हैं, जिसमें 2004 से लेकर अब तक चमगादड़ों पर की गई रिसर्च रिपोर्ट शामिल है। इसी के जरिए पता लगाया जाएगा कि वुहान लैब से कोरोना वायरस को गलती से जारी किया गया या फिर इसके पीछे एक सोचा समझा होमवर्क रहा है। दरअसल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पास एक ऐसा कार्यक्रम था जहां प्रयोगशाला में विश्लेषण करने की खातिर नमूने एकत्र करने के लिए वैज्ञानिकों ने गुफाओं की यात्रा की थी। वुहान लैब में RTG13 वायरस पहले से ही रखा हुआ था। ये वायरस चीन के चमगादड़ों से ही मिला था और ये कोरोना वायरस से 96.2% मिलता है। इस वायरस का सैंपल 2013 के दौरान एक खदान से मिला था। अब 8 देशों की एजेंसियां ये पता लगाएंगी कि क्या RTGS13 ही कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पिछले साल कोरोना की पहली लहर का प्रहार हिंदुस्तान ने हंसते हंसते झेल लिया था, लेकिन इस बार रोने के लिए आंसू कम पड़ रहे हैं, लाशों के लिए कंधे कम पड़ रहे हैं, मरीजों के लिए अस्पताल, बिस्तर, दवाइयां और ऑक्सीजन इस वक्त कम पड़ रही है। दरअसल इस बार कोरोना का नया म्यूटेंट पहले से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। यह नया म्यूटेंट अभी देश के किन हिस्सों में तेजी से फैल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। कोरोना की दूसरी लहर में क्यों बरपा है इतना कहर? सांसों पर ताकतवर वायरस का प्रहार कैसे हुआ प्रचंड? नए म्यूटेंट पर कितनी कारगर कोरोना की वैक्सीन? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में है। इन सवालों का जवाब हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि कोरोना की दूसरी लहर में मौत का ये तांडव कब रुकेगा। पहली लहर के प्रहार में हिंदुस्तान की सेहत को कम नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस बार हिंदुस्तान की सांसें तंग हो गई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, सारे संसाधन कम पड़ गए हैं। जबकि कोरोना का नया म्यूटेंट तो अभी देश के कुछ ही राज्यों में फैला है, पूरे हिंदुस्तान में फैलने के बाद ये कितनी तबाही मचाएगा, इसका अंदाजा मौजूदा दिनों की तस्वीरें देखकर लगाया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के एक ऐसे म्यूटेंट का पता लगाया है जो अभी संक्रमण फैला रहे सभी स्ट्रेन के मुकाबले 10 से 1000 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसी म्यूटेंट को N440K नाम दिया गया है। रिसर्चर्स का दावा है कि इसी म्यूटेंट की वजह से देश के कुछ हिस्सों में दूसरी लहर की रफ्तार बेकाबू हुई है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और गाजियाबाद के एकेडमी फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि N440K को पहली बार आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर में पाया गया था। अब ये म्यूटेंट आंध्र और तेलंगाना सहित देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। शोधकर्ताओं का दावा है कि दूसरी लहर के दौरान आंध्र और तेलंगाना में जितने भी नए मामले आए हैं, उनमें से 1/3 मामले इसी वेरिएंट के चलते आए हैं और ये लगातार फैलता ही जा रहा है। पिछले 2 महीनों में देश के 50% मामले सिर्फ 4 राज्यों से सामने आए हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वेरिएंट इन इलाकों में फैल चुका है। एक बार फिर सवाल घूमकर वहीं आ खड़ा हुआ है कि कोरोना का ये नया म्यूटेंट आया कहां से। तो शोधकर्ताओं की रिसर्च में इस सवाल के जवाब में नाम आया वुहान,
जी हाँ, चीन का वही शहर जहाँ से कोरोना वायरस ने इंसानों की दुनिया में दस्तक दी। अब दुनिया भर के 8 देशों की एजेंसियां चीन के वुहान लैब से वो डिजिटल फाइल हासिल करने में जुटी हैं, जिसमें कोरोना वायरस RATG13 की कुंडली छिपी है। इन 8 देशों में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, ऑस्ट्रेलिया की ASIS, फ्रांस की डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस शामिल हैं। पूरी दुनिया ये मानती है कोरोना से मची तबाही के लिए चीन जिम्मेदार है, उसकी तबाही वाली रिसर्च जिम्मेदार है, उसके वुहान लैब में हुई लापरवाही जिम्मेदार है। लेकिन सबूत किसी के पास नहीं, क्योंकि पिछले साल WHO की टीम के वुहान दौरे से पहले चीन ने वुहान लैब से वो हर एक सबूत, वो हर एक निशान मिटा दिए जो कोरोना के आज़ाद होने की गवाही देते थे। अब इन 8 देशों की खुफिया एजेंसियां चीन की डिजिटल लॉकर से सेंधमारी में जुटी हैं ताकि चीन के खिलाफ सबूत मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिम बर्धमान में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी के इलाके में बमबाजी की गई है और कब्जा करने के लिए TMC के गुंडों ने यहां बमबाजी की है। बमबाजी अभी भी कर रहे हैं, आज शाम से लगातार यहां पर बमबाजी हो रही है। TMC के गुंडे इस बार TMC प्रत्याशी से चुनाव हार गए हैं यहां इस सीट से, जिसके बाद TMC के गुंडे लगातार हमलावर हो गए हैं और उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां बमबाजी की जा रही है, TMC के गुंडों की ये हरकत, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी नेता के इलाके पर कब्जे की ये लड़ाई थी, ये बीजेपी और TMC के बीच में जो TMC के गुंडे हैं वो यहाँ बमबाजी कर रहे हैं। पश्चिम बर्धमान की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कल से ही जब नतीजे सामने आए उसके बाद बंगाल के अलग अलग जगहों से हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं और अब ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं TMC के गुंडों की बमबाजी करते हुए। ये पश्चिम बर्धमान की तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी के इलाके पर कब्जा करने के लिए TMC के गुंडे ये बमबाजी कर रहे हैं। मेरा संवाददाता सरफराज सैफी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सरफराज, इस घटना से संबंधित क्या जानकारी या अपडेट आपके पास? अपना सवाल पूछिए, मैं सुन नहीं पाया था आपको। बीजेपी नेता के इलाके में जिस तरीके से बमबाजी हो रही है, TMC के जो गुंडे हैं बमबाजी कर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी ये करवा रही है या फिर उनके नेता कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें तो सब सच बयां कर रही हैं। सरफराज, बिल्कुल, देखिए ये पश्चिम बंगाल के पंडवेश्वर विधानसभा का इलाका है, जितेंद्र तिवारी का इलाका है और इस इलाके पर कब्जा करने के लिए भारी मात्रा में बमबारी की जा रही है। जो तस्वीरों के जरिए हम भी आपको दिखा रहे होंगे, आप भी देख पा रही होंगी, क्योंकि TMC छोड़कर ये बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन TMC के प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती उनका नाम है, जो हार गए थे, उसके बाद आज उस इलाके में कब्जा करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद में यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बमबारी हो रही है। सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली है और उससे पहले इस तरह की घटना हो रही है। पिछले 24 घंटे में 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। ये सनसनीखेज वारदातें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को घेरने के लिए कल तमाम जो बीजेपी के जीते हुए कैंडिडेट हैं वो सड़क पर जाएंगे। इसके अलावा जितने MP हैं यहाँ के, 17 MP हैं, 18 MP हैं, वो आएंगे और खुद देश की राजधानी दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पहुंचने वाले हैं। तो एक तरफ TMC अपनी जीत का जश्न मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी वहां पर घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं और तमाम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। इस बात का अंदाजा चुनावी नतीजों से पहले लगाए जा रहे थे सरफराज, और वो अब देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने की।
जीत की जश्न की आवाज नहीं सुन रहे हैं आप। आपको जो ये आवाज सुनाई दे रही है ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जीत के जश्न की आवाज नहीं है, ये आवाज है अपने हनक को दिखाने की। ये आवाज उठा रहे हैं कि गुंडा राज अभी भी बंगाल में कायम है, ये बताने की कोशिश टीएमसी की तरफ से की जा रही है। कल से लगातार ऐसी तस्वीरें ऐसी घटनाएं सामने आई और अब तक, कल से अब तक की बात करें तो 6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है अलग अलग जगहों पर, कहीं बीजेपी के दफ्तर पे तो कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके घर पर इस तरीके से हमला किया गया। पत्थर से गाड़ियां तोड़ दी गई, घर को क्षतिग्रस्त किया गया, 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। और ये बंगाल के एक नए अध्याय की कल शुरुआत हुई है राजनीति की। तीसरी बार ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, चूंकि टीएमसी एक बार फिर जीत दर्ज करा करके बहुमत के साथ आ चुकी है बंगाल में। लेकिन उससे पहले ये गुंडा राज की तस्वीर देख लीजिए आप। वापस एक बार फिर आपको देश में कैसे कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है इसकी जानकारी देते हैं। इस बार दरअसल आरटीपीसीआर टेस्ट में भी कोरोना वायरस चकमा दे रहा है लोगों को, लिहाजा कोरोना के लक्षण दिखने पर लोग चेस्ट का सीटी स्कैन कराने में जरा भी देर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने सचेत किया है कि वो सीटी स्कैन से परहेज करें, नहीं तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में वो आ सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। बेड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? 4 घंटे हो गए कालाबाजारी हो रही है यहाँ, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। मानव सभ्यता के इतिहास में अजीब सी बीमारी की मार झेल रहा है इंसान। कम पड़ गई है सारी रिसर्च, न दिखने वाला जानलेवा इंसानी दुश्मन दूसरी बार लौटा तो और ज्यादा छलावी के साथ लोगों की सांसें छीन रहा है। कोरोना की पहली लहर से रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना वायरस 100% पकड़ में आ जाता था, लेकिन दूसरी लहर में जब कोरोना वायरस लौटा तो अपने साथ चकमा देने वाली चादर ओढ़कर लौटा। अब तो ज्यादातर रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट में भी कोरोना वायरस अपनी मौजूदगी छिपा ले रहा है। और इस बीच इंसान के शरीर में पूरा जाल फैलाकर अचानक उसकी सांसों पर अटैक कर रहा है। सवाल है कि ऐसे छलिया वायरस का पता कैसे लगा? डॉक्टरों ने इसका तोड़ निकाला और चेस्ट का सीटी स्कैन कर कोरोना के संक्रमण का पता लगाना शुरू किया। लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कोरोना संक्रमित मरीजों को सीटी स्कैन से सावधान कर रहे हैं। सीटी स्कैन आजकल बहुत ज्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। सीटी स्कैन हो या फिर एक्सरे, दोनों ही जांच इंसानी शरीर के लिए नुकसानदायक है। इनसे रेडिएशन का खतरा रहता है, जिसमें से एक सीटी स्कैन 300 एक्सरे की जांच के बराबर। तो सोचिए जरा कि आप कोरोना से बचने के चक्कर में कैसे कैंसर को दावत दे रहे हैं। इसलिए डॉक्टर गुलेरिया सलाह दे रहे हैं कि कोरोना के लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह के बिना सीटी स्कैन न कराएं। गुलेरिया ने कम संक्रमण वाले कोरोना मरीजों को शुरुआती स्टेज में स्टेरॉयड लेने से भी मना किया है। अर्ली स्टेज में आप स्टेरॉयड लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफा जो माइल्ड केसेस हैं उनको सीवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है, क्योंकि बड़े हाई डोज स्टेरॉयड उनको डे वन से मिल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि स्टीरॉयड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में जो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। कोरोना की पहली लहर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर के सभी डॉक्टरों को कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए एक ट्रेनिंग ड्राइव चलाया था। लेकिन दूसरी लहर में कोरोना का ट्रीटमेंट अलग है, इसलिए गुलेरिया फिर से देश के सभी डॉक्टरों को ट्रेनिंग की जरूरत बता रहे हैं। उसमें रेमडेसिविर आती है, एक ड्रग है टोसिजुलिमैब और तीसरा है कन्वलेसेंट प्लाज्मा। ये सिर्फ तभी दिए जाते हैं अगर हमें लगे कि पेशेंट ज्यादा डिटेरियरेट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड बिकॉज
देर इज़ अ नीड कि हम सब लोगों को इस बारे में ट्रेन करें, स्पेशली स्मॉलर सिटीज़ में, छोटे शहरों में, रूरल इंडिया में. तो उसी को देखते हुए एम्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक क्लिनिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू किया है. सवाल है कि जो लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, क्या उन्हें भी वैक्सीन के दोनों डोज लेने चाहिए या फिर एक से ही काम चल जाएगा, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडी उच्च स्तर पर बन चुका है. डॉक्टर गुलेरिया की सलाह है कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए. अभी जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए. साइंटिफिक कम्युनिटी में ये है कि हम कहते हैं कि पहला डोज प्राइमिंग डोज है और दूसरा डोज बूस्टर डोज है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हुआ वो प्राइमिंग डोज की तरह होगी, और अगर आप एक ही डोज लगाएं तो वो बूस्टर डोज हो सकता है. कई लोग ये, कई साइंटिस्ट का ये मांगना है कि अगर हम इस डेटा को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें तो हो सकता है कि हमारे कुछ वैक्सीन के डोजेस बच जाएं जो हम और लोगों को दे सकते हैं. लेकिन इसके लिए अभी हमें और डेटा चाहिए जिससे हम ये कह पाएं कि ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है. इसलिए अभी तक जो गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए. 18 प्लस युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर और भारत बायोटेक को 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुकी है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया.